अब देखिए संजीव झा जी बैठे हुए हैं, आज की तारीख में देखिए, आज ही ईडी ने उनकी आज की तारीख में देख लीजिए क्या चार पत्रकारों पॉलिटिकल विच हंटिंग करते हैं। कोई पॉलिटिकल सवाल है भाई, कोई संजय सिंह को लेकर जो जांच हो रही है उसमें भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की कुछ मिला तो है नहीं। संजय सिंह के लिए दीपक चोपड़ा जो ऑफिशियल अप्रूवर बन गए हैं, सरकारी अप्रूवर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि संजय सिंह को 22 लाख रुपया अकाउंट के माध्यम से पेमेंट की गई है। संजय सिंह का बैंक अकाउंट खोला जा रहा है और संजय सिंह फरार है। सामने आके क्यों नहीं कहते संजय सिंह ये पैसे मैंने नहीं लिए हैं, चेक अकाउंट से दिया दीपक चोपड़ा ने, उस पर जवाब नहीं देंगे, कहेंगे सरकार साजिश कर रही है। अरे भैया पैसा लेने का भी तरीका होता है ना, अरे भैया पैसा लेने का भी तरीका होता है ना। नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर शराब घोटाले के मामले को लेकर ईडी की तहकीकात चल रही थी और शाम को उनकी गिरफ्तारी से पहले आज तक न्यूज चैनल का एक प्रोग्राम पंचायत आज तक छत्तीसगढ़ में चल रहा था, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक बहस में हिस्सा ले रहे थे। संजय सिंह के घर पर हो रही तहकीकात को लेकर जब एंकर ने सवाल पूछा तो अनायास बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के मुंह से निकला कि पैसा लेने का भी कोई तरीका होता है। अनजाने में दिए गए उनके इस वक्तव्य से पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा, जिसमें आपके प्रवक्ता संजीव झा भी शामिल थे। अरे भैया पैसा लेने का भी तरीका होता है ना, चेक ही से ले लिया। कैसे लिया जाता है पैसा? चेक ही से ले लिया। पैसा कैसे लिया जाता है? चेक ही से ले लिया। आज बता दीजिए। नहीं नहीं वही कह रहा हूँ, आप देखिए तरीका नहीं, नहीं, ये डेस्परेशन है पैसा लेने का। अंजना जी पूछ रहे विजय माल्या से, पैसा लेने का डेस्परेशन है। विजय माल्या नीरव मोदी से ले लेंगे, कैश से ले लेंगे, गोल्ड में ले लेंगे, बोल लेंगे, चेक से ले लेंगे, कैश से ले लेंगे, गोल्ड में ले लेंगे, किसी भी तरह।